चलो अपने एडमिशन का लेक्चर टू स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग लेक्चर टू ऑफ एडमिशन। और ये जो लेक्चर है ये लास्ट क्लास का कंटिन्यूशन रहेगा। पहला तो लास्ट क्लास में हमने एक सम्स किया था, आज हम लोग उस सम्स के जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे लेजर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अकाउंट ऑफ बैलेंस। चलो सबसे पहले जो लेजर बनता है वो बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का। किसका? रीवैल्यूएशन फॉर्मेट देख लो फटाफट और ऊपर लिख लो रीवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी से। हाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखोगे ऊपर? रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये लेजर का ही फॉर्मेट है। हाँ डन। हाँ सर। और एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का, तो फॉर्मेट लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम लोग को फॉर्मेट आता है क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का? कौन कौन पार्टनर थे कल के एग्जाम सम्स में? दिनेश, हाँ हाँ रवि, दिनेश और नया कौन आया था? ठीक मानव, यहाँ पे मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर थे तुम लोगों ने बोला रवि, दिनेश और मानव। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स रवि, दिनेश और मानव। बना क्या फॉर्मेट आप लोगों का? हाँ सर। चलो अभी सुनना मेरा बात। सबसे पहला जो स्टेप होगा इधर देखो, बन गया तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बन गया? हाँ बना क्या? सर। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट कौन में कुछ कैपिटल दिया हुआ था, देखो रवि और दिनेश का, देखो कितना दिया हुआ था। सिक्सटी थाउजेंड मेरे पास सम्स नहीं है क्योंकि मैंने वो मन से दिया था, तो वो जो कैपिटल रहता है वो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे? और तुम लोग क्योंकि आज बैलेंस पहली बार कर रहे हो तो मैं तुम लोग की सुविधा के लिए यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ नंबर 1, क्योंकि स्टेप नंबर 1 है बाई बैलेंस बीडी। मैं बहुत स्लोली जाऊंगा। कितना कितना कैपिटल था बोलो? 60 और 40,000, सिक्सटी थाउजेंड और 40,000। अच्छा मानव में मत लिखना अभी। हाँ मानव में मत लिखना। और अब सुनो, तुम लोगों ने कैपिटल लिख दिया ना, अब बैलेंस शीट में वहां पे टिक मार दो ताकि तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ तुमने उसका काम कर दिया। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी लिखा और बैलेंस शीट में टिक मार देना, जो क्वेश्चन था ना उसमें टिक मार देना। हो गया? हाँ सर। अब एक चीज समझो मेरा बात, तुम्हारे बैलेंस शीट में और क्या-क्या आइटम थे? लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व और टीएल पीएल था ना, जनरल रिजर्व और पीएल। हेलो, हाँ
ठीक है जानवी, मैं हाँ ठीक है समझ रहा हूँ। आप मेरे को 10 बजे कॉल करो, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। जनरल रिजर्व और पीएल था ना, हाँ सर, तुमने और उसकी क्रेडिटर्स भी था। हाँ पहले मैं जनरल रिजर्व पीएल की बात करता हूँ। जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बांटे थे, याद है? तो हाँ सर, उसका जर्नल एंट्री तुम लोगों ने किया होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। रविस कैपिटल अकाउंट टू क्रेडिट। तो इसका मतलब वो रवि के कैपिटल में बाई में चला जाना चाहिए, यस और नो? तो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में लिखने वाला हूँ बाई जनरल रिजर्व। रवि को कितना दिया था और दिनेश को कितना दिया था? रवि को 18 एंड दिनेश को 12, रवि को 18 1 8 और दिनेश को 12। ओके, और जब ये काम हो गया तो बैलेंस शीट में इसको टिक मार दो और जर्नल एंट्री पे भी टिक मार दो। बैलेंस शीट पे भी टिक मार दो और जर्नल एंट्री पे भी टिक मार दो। मैं यहाँ पे तुम लोग की सुविधा के लिख रहा हूँ नंबर 2। तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखना, बट अभी के लिए लिख लो, तुमको समझ में आ जाएगा मैं कैसे कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर और क्या बटा था पार्टनर में, याद करो तो। ओल्ड पार्टनर में उसके आने के पहले क्या बटा था, पीएल बेटा था, तो मैं कहाँ पे लिखूँ? जहां पे बाई, लिख रहे हैं पीएल हाँ अकाउंट। बाई पीएल अकाउंट। जब भी पार्टनर को कुछ मिलेगा ना वो क्रेडिट होगा, ठीक है, और जब पार्टनर से कुछ लेना होगा तो डेबिट होगा। यानी पार्टनर को अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट, पार्टनर को अगर घटाना है तो डेबिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो अच्छा, जनरल पे जो हम लिखे थे ना, बाई पीएल अकाउंट डेबिट टू रविस अकाउंट, हाँ क्या हम लोग पीएल अकाउंट डेबिट टू रविस कैपिटल अकाउंट लिखे थे? हाँ टू रवीस कैपिटल टू दिनेश अच्छा कैपिटल, हाँ। अच्छा चलो कितना कितना पीएल था बोलो ना, 6,000 और 4,000। 6,000 4,000, ओके। और इसको मैं नंबर 3 लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, ओके। और बैलेंस शीट में भी टिक मार देना और जर्नल एंट्री में भी टिक मार देना, क्लियर? तासीन समझ में आ रहा होगा? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा अब एक चीज बताओ, क्रेडिटर्स को ले क्या 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 था बैलेंस शीट में और लायबिलिटी साइड में? ठीक क्रेडिटर्स ही है और नहीं। है, क्रेडिटर्स को लेके तो कुछ था नहीं ना वैसे, ठीक है। अच्छा अब ये सब बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ नया पार्टनर शायद कुछ कैपिटल लेके आया था और कुछ गुडविल बढ़ गया था, यस और नो? कितना कैपिटल लेके आया था, उसका जर्नल एंट्री क्या हुआ था बताओ मेरे को। कैपिटल लाया था 30,000 और कैश अकाउंट डेबिट टू मनी ऑफ अकाउंट। हाँ एक बार वही पूछ रहा हूँ खाली, तो कैपिटल लाया था तो इसका मतलब नया पार्टनर के कैपिटल को बढ़ा देना चाहिए घटा देना चाहिए? बढ़ा देना बढ़ा चाहिए। देना चाहिए, तो बाई में लिखना पड़ेगा, यस और नो? वो हाँ कैपिटल लाया तो जर्नल एंट्री कैश टू कैपिटल हुआ ना मानव का, तो बाई कैश लिखना हाँ पड़ेगा, है ना? और किसके कैपिटल को बढ़ाऊं मैं बोलो तो बेटा, कितना मानव बढ़ा दूं? थर्टी मेरे पास जगह थोड़ा कम, शॉर्टेज पड़ रहा है, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 30,000 देखो आ गया क्या तुम लोग के स्क्रीन पे, 30,000, सर। ठीक है। और इसको मैं नंबर 4 लिख दूंगा, और तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में वो जो लाइन दिया हुआ है ना कि मानव 30,000 लेके आया, उस लाइन को टिक कर लो पूरा, और बैलेंस जो जर्नल एंट्री किया उसको भी खत्म टिक कर दो, मतलब कि उसका काम हो गया, ओके। समझ रहे हो, ये तुम्हारे सुविधा के लिए है कि कैसे कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ एडमिशन को, ओके। हाँ चलो नेक्स्ट क्या है, गुडविल लाया था ना, हाँ और गुडविल कौन बांट लिया था चोरी चोरी चुपके चुपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? अकाउंट चलो जर्नल एंट्री क्या था उसका, डेबिट टू रविस कैप अकाउंट टू दिनेश कैप अकाउंट। तो इसका मतलब वापस से रवि और दिनेश को बढ़ाना पड़ेगा इस बार, है ना? तो मैं हाँ किस साइड लिखूंगा इस बार बढ़ाने के लिए वापस बाय। से? बाई बाई साइड में लिखने वाला हूं, और क्या लिखूंगा, कैश ही लिखूंगा ना? हाँ बाय कैश। कितना कितना जितना कैश है एक बार में लिख नहीं सकते। एक बार में नहीं लिख सकता, अलग अलग लिखना पड़ेगा, रवि में दिनेश में, कितना कितना है? रवि में कितना है बताओ, रवि गुडविल का और कैश का? 8,000 हाँ 8,000 2,000 8,000 और 2,000, है ना?
और मैं इसको नंबर 5 लिख देता हूँ अपने सुविधा के लिए, ओके। और तुम लोग उसमें भी इस लाइन में भी टिक मार लो, गुडविल वाले में, और जर्नल एंट्री में भी टिक कर लो, ओके, ताकि तुमको हाँ समझ में रहे कि कौन कौन सा जर्नल एंट्री बाकी है और कौन कौन सा बैलेंस शीट में आइटम्स बाकी है। अच्छा, अब एक चीज बताओ मेरे को, इसके अलावा बहुत सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज थे जो बड़े घटे थे, याद है ना? हाँ चलो अभी आते हैं, अपने उसमें बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था बताओ एसेट्स में? बिल्डिंग बिल्डिंग का 1 लाख हो गया बड़ा था, था। कितना हाँ से बड़ा था? 1,000, 1,000 या दस 10,000? हजार 10,000 10,000। उसका जर्नल एंट्री क्या हुआ था? बिल्डिंग्स अकाउंट तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन उसमें कोई पार्टनर कैपिटल का नाम आया था क्या जर्नल एंट्री में? नहीं। नहीं ना, बट एक रिवेल्यूशन का नाम आया था, याद है? तो हाँ अगर आप बिल्डिंग को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब रिवेल्यूशन अकाउंट में डालना पड़ेगा उसको, बाई बिल्डिंग, यस और नो? जर्नल एंट्री बिल्डिंग टू रिवेल्यूशन था ना, हाँ तो बाई बिल्डिंग अकाउंट कितना फिगर था? 10,000 10,000। एक चीज मैं तुम लोग को बता देता हूं, इधर देख लो एक बार, कि जब भी कोई भी एसेट बढ़ेगा तो हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा अगर एसेट बढ़ेगा तो, और कभी भी अगर कोई लाइबिलिटी कम होगा तो वो भी मेरा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा देखो एसेट सर। अगर, हाँ सर अगर, जनरल का जो भी डेबिट होता है वो लेजर का क्रेडिट हो जाएगा, हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ होगा। हाँ हाँ तो जब भी मेरा कोई एसेट बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, और अगर कोई लायबिलिटी कम होगा तो भी वो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा। क्लियर? ध्यान हाँ सर। रखना बिल्डिंग अभी के लिए मेरा बढ़ गया है ना, ठीक है? 10,000 से बिल्डिंग बढ़ गई। मेरा कौन सा नंबर चल रहा है? नंबर मेरा चल रहा है 5 के बाद 6 6। मैं तुम लोग की सुविधा के लिए लिख देता हूँ 6 नंबर, ओके, ठीक है ना? और उसके बाद मैं एक चीज और लिख देता हूं, अगर कोई एसेट कम होगा या लायबिलिटी अगर बढ़ेगा, एसेट अगर कम होता है या लायबिलिटी अगर बढ़ता है, तो अगर एसेट कम होता है, माइनस लिख रहा हूं, या लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो रिवैल्यूएशन किस साइड में जाएगा? डेबिट अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। रिवैल्यूएशन हाँ, ये ध्यान रखना। चलो अभी अपना नेक्स्ट रिवॉल्यूशन में टिक मारो, वहां पे बिल्डिंग टू रिवॉल्यूशन में टिक मारो, चलो चलो, और बैलेंस शीट वाले लाइन क्वेश्चन के लाइन में भी टिक मारो। सर। एक बार पहले वाला स्लाइड लेंगे ना। पहले वाले स्लाइड ये रहा बेटा, अच्छा ठीक है सर। चलो अब नेक्स्ट क्या आइटम है बोलो? फर्नीचर 8,000 हो गया। फर्नीचर कम हो गया था ना, तो रीवैल्यूएशन के किस साइड में लिखूं मैं? डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिख डालू, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना कम करना है? वाह 2,000 वाह, वेरी गुड, आई होप दिस सीम्स इंटरेस्टिंग टू बोथ ऑफ यू, यस और नो? यस। चलो उसमें टिक मारो जर्नल में, हाँ जर्नल में टिक मारो, और क्वेश्चन का जो लाइन था उसमें भी टिक मार दो। ये मेरा 7 नंबर हो गया, ओके। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्या है बताओ? स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक कम हो गया था, कितना अमाउंट कम हो गया था स्टॉक स्टॉक का 2,000 कम हो गया था। का? 2,000 कम हो गया था क्या स्टॉक हाँ का? तो टू स्टॉक 2,000, और इसका मैं नंबर 8 लिख देता हूँ। 2,000 या 3,000, ठीक से देख लेना एक बार, आई डोंट रिमेम्बर, 2,000। ठीक है? स्टॉक मेरा 8 नंबर हो गया, ओके। जर्नल एंट्री में भी टिक मार लो तुम लोग, और क्वेश्चन में भी टिक मार लो। डन। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्या है फिर बोलो? क्रेडिट डिस्काउंट दिया 5%। ओ, क्रिएटर्स का था क्या? हाँ ठीक है, पांच क्रेडिटर्स परसेंट को 5% डिस्काउंट, लायबिलिटी कम हो गया मेरा ना,
हाँ क्रेडिट में जाएगा। बाई क्रेडिटर्स लायबिलिटी कम हो गया, बहुत अच्छा हुआ, खुशी मिला। जब भी लायबिलिटी कम हो गया तो खुशी मिलना चाहिए। कितना का डिस्काउंट, ₹1,000 का, कितना का, हजार 7 1,000। और ये मैं नंबर 7 कर देता हूँ, ओके। सॉरी, की उसने 9 नहीं। 9, 9, आई एम सो सॉरी, अच्छा नंबर 9। चलो डन। और कोई रिवॉल्यूशन का एंट्री था क्या? वो एक हाँ एंट्री था प्रॉफिट लॉस बांटने का ना, हाँ प्रॉफिट लॉस वो का। तुम वहां से नहीं देख के यहां से भी देख सकते। इधर देखो, इधर देखो, क्रेडिट साइड में कितना टोटल है। इधर देखो, एक 10,000 और एक 1,000, कितना है क्रेडिट साइड में टोटल? 11,000, 11,000। और डेबिट में टोटल कितना है बेटा? 4,000, तो 11 में 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7,000, 7,000 डेबिट में बच रहा है ना, मतलब हाँ पच्चीस। क्रेडिट अगर ज्यादा है तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो अभी बहुत अच्छा बात है, अपना प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट, कितने का प्रॉफिट बोला? 7,000 का। तो 7,000 यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये अपने डाले भी थे, एंट्री किए थे, याद करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू ए बोल रहा हूं, टू रवीज कैपिटल और टू तो आपका उसका कैपिटल क्या आपका, उसका क्या कहते हैं, होता है? दिनेश टू रवीज कैपिटल और टू दिनेश कैपिटल, एक अपने एंट्री किए ना ऐसा। 7,000 को दिनेश। इक्वली बांटे हैं दोनों में, देखना हाँ कितना कितना आया था। हाँ 4,200 और 2,800। ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो आपका एक सेंसर, ओ, ओल्ड ओल्ड रेशियो, रेशियो 3:2, थ्री ठीक है। तो 7,000 को ओल्ड रेशियो में टू बांट दो, कितना कितना आया था? थ्री टू 7,000 को ओल्ड रेशियो में बांटे थे हम लोग, जनरल करके आए इसका, है ना। हाँ 4,200 और 2,800। हाँ यही बोल रहा हूं मैं। तो अब ये रिवॉल्यूशन टैली हो गया ना। हाँ सर चलिए। रीवैल्यूएशन का अगर डेबिट साइड में बचता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, और क्रेडिट साइड में हाँ अगर सर बचता है हाँ तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? सर दोनों साइड 11,000, 11,000, ओके। हाँ हाँ सर। और सर उसको मैच नहीं करेगा वो जो क्या कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। वो भी होगा, अभी सब होगा। ये हो गया, हाँ होगा। ये मेरा नंबर 10 हो गया, यस और नो? हाँ सर शानिया समझ में आई ये वाला? अब हाँ सर ध्यान से देखो, ये जो जर्नल एंट्री हुआ ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर कैपिटल में भी तो जाएगा ना। जाएगा। तो इसी का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट आया था ना, प्रॉफिट आया तो इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखा मैंने, कितना का प्रॉफिट आया बाय रवि में रीवैल्यूएशन और दिनेश में? 7,4,200। समझा क्या? हाँ और इसी को मैं वापस 10 ही लिखूंगा। क्यों बोलो, क्यों बोलो, क्योंकि ये उसी एंट्री का तो कॉन्ट्रा एंट्री है ना, हाँ ये उसी एंट्री का कॉन्ट्रा एंट्री से दोनों का नंबर सेम दे दिया, ओके। हाँ सर हमेशा ध्यान, अगर इस तरफ में ऐसा आता लॉस आता तो मैं, अगर लॉस आता तो यहां लिखता बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस आता तो लिखता हाँ बाई पार्टनर, और फिर मैं यहां पे क्रेडिट में नहीं लिख के कहां लिखता, डेबिट डेबिट में यस लिखता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां लिख देता, सर यस ओके। सर। चलो अब एक चीज समझो मेरा बात, और कुछ कोई लाइन बाकी है क्या? और तीन बाकी सर तो अब क्या करो, इसको तीनों टैली नहीं टैली करेंगे। अब तीनों को क्या करो, टू बैलेंस सीडी कर दो, कितना कितना बच रहा है देखो। क्रेडिट माइनस डेबिट करना है रवि का, क्रेडिट माइनस डेबिट करो। डेबिट में तो कुछ है नहीं रवि का,
तो खाली क्रेडिट कर लो टोटल, अगर डेबिट में होता तो उसको माइनस कर देते हैं, तो रवि का क्रेडिट का अच्छा टोटल कर लो, रवि का क्रेडिट का अच्छा टोटल ठीक से करना। अच्छा 96,200 96,200 रवि रवि का क्या, का। हाँ रवि का। और दिनेश का भी कर लो क्रेडिट माइनस डेबिट। 60800। 60800 मानव का भी कर लो, हाँ मानव का तो करने का कुछ है। हाँ 30,000 है ना। तो अब मतलब दोनों साइड मेरा मैच हो गया, हाँ सर। टोटल लिख लेना तुम लोग वही 96,200, 60,800 और 30,000 दोनों साइड, समझा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हाँ और सर। यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे सर। भी, यहाँ पे भी, क्लियर। हाँ सर। ये मेरा हो गया टू बैलेंस शीट, ओके। और हाँ अब हम सर। लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये जो नया सीडी आया ना, ये वाला सीडी, ये नया बैलेंस शीट का कैपिटल बन जाएगा तीनों का। अच्छा बैलेंस शीट में चलूं मैं, हाँ सर चलिए। चलूं, चलो ले चले तुम्हें बैलेंस शीट की ओर, तू ले चले तुम्हें बैलेंस शीट। तुमको तुमको तारों का शहर चाहिए ना अभी। ये मेरा हो गया लाइबिलिटीज, और ये मेरा हो गया, इतना तो पता ही होगा तुम लोग को यार। चलो सबसे पहले मेरे पास अब तीन जन का कैपिटल आएगा, पुराने वाले जो सम्स था उसमें तो दो ही जन का कैपिटल था ना, इस बार रवि, अब ये बैलेंस शीट है आफ्टर एडमिशन, रवि का, दिनेश का और मानव कितना कितना सीडी आया था टू बैलेंस सीडी, वो बता देना मेरे को। मानव कैपिटल रवि का कितना आया था, रवि का कितना आया था, 96, 200। दिनेश का कितना आया था, 60,800। मानव का आया, इसका टोटल बाहर ले जाओ, इसका टोटल यहां लिख देंगे कितना रहा बताओ, उसका टोटल बोलो। हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा, सर। 2,07,000। 2,07,000 2,07,000। शानिया कहाँ चले गए, हाँ शानिया कहाँ चली गई, देखो। गलत है। 1,87,000 आता है। ओ अच्छा, ऐसा क्या, गलत बोला ना, कितना बोले आप, 1,87,000 तासीन को सस्ता नशा कर लिया तुम, इसका मतलब। सर। 87, अच्छा तासीन ठीक है ना, देख लो एक बार। हाँ चलो इसके बाद अब एक चीज समझो कैसे करते, इधर देखो, पुराने बैलेंस शीट में जाओ, जो सम्स में लिखा हुआ था उसमें भी तो कुछ कैपिटल था, वो हाँ कैपिटल ध्यान हाँ नहीं देना, वो कैपिटल ध्यान नहीं देना, उसका काम हो गया। उसके नीचे क्या लिखा हुआ था पुराने बैलेंस शीट में कैपिटल के बाद, कैपिटल के बाद वो जनरल वो हमने बांट दिया था हिसाब। पार्टनर में ना, हाँ तो वो आएगा नहीं इसमें। और बताओ क्या था, और तो क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व के बाद क्या लिखा हुआ था, पीएल, पीएल अकाउंट। पीएल भी बांट दिया था ना, हाँ तो नहीं आएगा उसके बाद, क्रेडिटर्स नहीं सब कुछ बांट दिया। सब कुछ नहीं बांटा बाबू। क्रेडिटर्स कितना था बैलेंस दिनेश शीट में, क्रेडिटर्स अब 20,000 का था।
उसमें से 1,000 का छूट मिला। अच्छा 1,900 बता दो, क्रिएटर्स 20,000 19,000। था, उसमें से 1,000 का तो डिस्काउंट मिला ना, नाइनटीन हाँ हंड्रेड बाकी है। नाइनटीन 19,000, 19,000, थाउजेंड हाँ 19,000। समझा क्या? तो हाँ यहां से देखो, मैं रिवैल्यूएशन में टिक मार देता हूँ कि मैंने क्रिएटर को यूज कर लिया, ये जो मैंने क्रिएटर्स जो है उसको यूज कर लिया, इसलिए मैं उसको ब्लू कलर से हाइलाइट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, बॉक्स जैसा बना देता हूँ कि क्रिएटर्स मेरा यूज हो गया। ओके, अच्छा और कुछ था बैलेंस शीट में, हाँ क्या था लायबिलिटी साइड में, बिल्डिंग कुछ और था? बिल्डिंग बिल्डिंग था, लाइब्रेरी बिल्डिंग बिल्डिंग एसेट है वो, ठीक है, चलो बिल्डिंग एसेट में आ जाओ। बिल्डिंग कितना था? बिल्डिंग नहीं बाबू, दस बैलेंस हजार शीट बढ़ में कितना गया, था? और बैलेंस शीट में 90,000। 90,000। हाँ और कितना से बड़ा था बिल्डिंग? 1,00,000 मतलब 10,000 से बढ़ा। 10,000 से बिल्डिंग बड़ा था बोल रहा है ना, तो ये बिल्डिंग को हाँ मैं लिख लेता हूँ कि यूटिलाइज कर लिया। और नया बैलेंस शीट में हाँ कितना दिखाऊं बिल्डिंग, बताओ? 1,00,000। 1,00,000, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू उसके आने के बाद बढ़ गया। अब समझ में आ रहा है तुम लोग को कैसे करना है? सर हाँ बैलेंस शीट तो हम मतलब मानव को लेके बना रहे हैं ना, मानव आने के बाद नया। बिल्कुल, चलो बिल्डिंग बढ़ गया, उसके बाद क्या है मेरा नया आइटम? उसके बाद तो सब वही क्या कहते हैं और बोलो, फर्नीचर फर्नीचर भी था ना? में। हाँ फर्नीचर फर्नीचर पुराने बैलेंस शीट में कितना था यार? सर, फर्नीचर का वैल्यू कम गया। पुराने बैलेंस शीट में कितना था पहले वो बताओ तासीम। सर पुरानी सर 10,000 था। 10,000। 10,000 उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 2,000 माइनस करना पड़ेगा। 2,000 माइनस करना होगा ना, तो कितना बचेगा? 8,000। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने फर्नीचर को यूज कर लिया। ओके, डन, आगे बढ़ूँ? फर्नीचर के बाद बढ़िए क्या था एसेट मेरा जो कम हो सर। गया, बढ़ गया, बिल्डिंग वट एवर? स्टॉक था, कैश स्टॉक, था, बीस स्टॉक कितना था स्टॉक? हजार हाँ, 20,000 20,000, उसमें कितना कम हो गया? स्टॉक 10% आज 2,000 कम हो गया, तो नया स्टॉक कितना होगा? 18,000। समझ में आ रहा है ना तुम लोग हाँ भाई को? उसके बाद वापस क्या आइटम है बताओ, स्टॉक के बाद? कैश। कैश, हाँ और कुछ नहीं है? चार ही आइटम था क्या पुराना बैलेंस शीट में? डेटर्स तो भी पहले डेटर बताओ थे, ना, डेटर कितना था? 30,000 का। 30,000। हाँ और डेटर में तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं था ना, नहीं था नहीं तो था। उतने का उतने ही लिख दो वापस, जब कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो। डेटर 30,000 क्या? हाँ 30,000। डन। हाँ सर और क्या आइटम बचा बताओ मेरे को? कैश 10,000। खाली हाँ सर खाली कैश के लिए मेरे को देखो एक बार, कैश में पहले तो जितना कैश था कितना बोला बैलेंस शीट में, 10,000। ये तो लेना ही है, प्लस इसके अलावा कैपिटल हाँ अकाउंट खोलो। उस कैपिटल अकाउंट में देखो दो जगह भाई कैश हुआ है, देखो दो जगह मिला, कौन सी सर, एक एक बार आप स्लाइड। क्या दिखाऊं, अच्छा नाम मिल गया सर। हाँ मिल गया दो जगह भाई कैश हुआ है कैपिटल अकाउंट में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दिख रहा है? तो जितना भाई कैश हुआ है ना, जितना भाई कैश, वो सब ऐड कर दो कैपिटल कैश में, बैलेंस शीट के सर। अच्छा 10,000 कैश में इतना और ऐड कर दो। 30,000 40,000 आएगा टोटल। हाँ, 50,000 हो जाएगा। 50,000 जो भी आएगा। क्यों ऐड हुआ? क्योंकि देखो बिजनेस को वापस कैश मिला ना,
मानव ने 30 लाया प्लस मानव ने 10 और लाया गुडविल का, तो टोटल 40 बिजनेस को और मिल गया। पुराना कैश कितना था? 10 था, बिजनेस को 40 और मिल गया, तो टोटल कैश कितना हुआ बेटा? 50,000। क्या समझा? हाँ सर। अब दोनों साइड बैलेंस शीट का चेक करो, टोटल टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो दो बार जो कैश है ना, हाँ 30,000 का अकाउंट में दिखा है, और रवि और दिनेश का 1,000। सानिया आवाज कट रहा है, वापस बोलो तो। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ना, उसमें मानव के अकाउंट में दिखा है 30,000। मानव के अकाउंट में, हाँ मानव के अकाउंट में 30 लिखा हुआ है और उन दोनों के अकाउंट में 8 और 2 लिखा हुआ, यही तो। हाँ तो टोटल 40 हुआ ना। हाँ टोटल 40 हुआ और पुराना कैश बैलेंस शीट में 10,000 था, सम्स हाँ, में। उसमें ऐड कर देना है। हाँ उसमें ऐड कर देना है। अच्छा ठीक है। अब दोनों साइड चेक करो बैलेंस शीट का कितना आ रहा है। नहीं मैच हो रहा, 82,400 आ रहा। मैच नहीं हो रहा है? क्या बात कर रहे हो। लायबिलिटी का टोटल कितना आया? एक सेकंड सर, सॉरी क्या टिक कर सर, 2,04,000 आया। 2,04,000। बस एक सेकंड कैलकुलेटर से कर लेते हैं। वन लैख एटी सेवन मैच कर थाउजेंड लिया, हाँ 2,06,000 दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड मैच कर लिया, 2,06,000, 2,06,000 कर गया ना, मतलब सही है। लड्डू खा लो खुशी में, समझा? 2,06,000 और 2,06,000, ये तो समझा तुम लोग? कितना स्लोली स्लोली समझाना पड़ा तुम लोगों को, कि जितना स्लोली मैं समझाऊंगा उतना आगे तुम लोग अच्छा से कर पाएगा। अभी तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि मैं नया लिंक भेजूंगा और तुम लोग अभी एक सम्स करने दूंगा, वो स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लिया सर। ले लिया ना, मैं हटाऊं, नया लिंक जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर।